प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण लेवर कॉलोनी बिजली विभाग में भूतपूर्व सैनिक तैनात गार्ड की लगी गोली। आपको बता दें कि लेवर कॉलोनी में बिजली विभाग डिवीजन में तैनात गार्ड कुमार पाल पुत्र अतर सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी चमरौली थाना मक्खनपुर अपनी दुनाली बंदूक को लोड करके सेंट्रल बैंक में जा रहा था। अचानक किसी तरह गोली चल गई और पैर में लग गई। वहीं बिजली विभाग के इंजीनियर एक्शन आरपी वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुनाली बंदूक में गोली लोड थी। बिजली विभाग का केस लेकर बैंक जा रहा था, अचानक अपने आप गोली चलकर पैर में लग गई। आनन फानन में कुमार पाल को बिजली विभाग के इंजीनियर आरपी वर्मा ने जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत संतोषजनक बताई है। गोली चलने से बिजली विभाग के बाबू एवं कर्मचारी बाल बाल बचे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता स्वराज सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार पाल है। कुमार पाल जी, क्या मामला है? ये मेरी गन से मुझे गोली लगी है। कहाँ लगी थी, क्या कर रहे थे आप? ऐसा है, मैं लोड करने जा रहा था, जब सफाई की थी उसमें तेल था तो स्लिप मार के नीचे गिर गई, तो मैंने एक पैर से उसको दबाया, तब तक वो फायर हो गया। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव चमरौली है। थाना कौन सा पड़ता है? मक्खनपुर। तो कहाँ ड्यूटी पर तैनात थे आप? ड्यूटी पर मैं सेकेंड डी वी आई नंबर फिरोजाबाद। किसी बिजली विभाग में थे क्या? हाँ हाँ, बिजली विभाग। कौन सी जगह है? स्टेशन रोड। ये क्या मामला है, किस तरह गोली लगी है और कहाँ लगी है? ये हमारे बिजली विभाग में सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारा बिजली का रेवेन्यू कलेक्ट होता है प्रतिदिन, अगले दिन उसको बैंक में जमा कराने के लिए जाया जाता है, तो एक सुरक्षा कर्मी उस पैसे के साथ जाते हैं, तो ये हमारे विभाग में सुरक्षा कर्मी हैं। क्या नाम है इनका और किस प्रकार से लगी? आज का सुबह इन्होंने अपनी गन को साफ किया था, गन को साफ करके तेल उल लगा के उसको अच्छे से क्लीन किया था। जब बैंक जा रहे थे तो उनके हाथ से गन स्लिप हो गई, जिसके कारण फायरिंग हुई, और भगवान का शुक्र है कोई बड़ी घटना नहीं घटित हुई। इनके जांग में थोड़ी चोट लगी है और अभी यहाँ पे इमरजेंसी में इनको इलाज करा के हम लोग आर्मी हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफर करा। पैर में नीचे लगी है, काफ़ी नीचे लगी है। ड्राइवर वगैरह और लोग तो बच गए थे वो नीचे? हाँ, एक्चुअली कार्यालय में भीड़ भाड़ तो होती है जैसा आप लोग जानते हैं पिछले विभाग में, लेकिन इनकी एक तरह से बहुत अच्छा इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और गन को घूम रही थी तो पैरों से उसको दबा लिया, जिससे कोई बड़ी घटना नहीं हुई और इनके स्वयं को ही चोट लगी और इन्होंने दूसरे लोगों की जान बचाई है। आज किस तरह गोली लगी और कहाँ लगी, क्या मामला है? नहीं, ये भूतपूर्व सैनिक है, वो चौकीदारी करता है उसमें साथ बिजली विभाग में, तो कह रहा था कि लोड कर रहा था, वो गिर गई थी उसकी गन, तो उसके पैर में चोट लग गई है, ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है। कौन से पैर में गोली लगी है सर? पैर में, उसके लेफ्ट पैर में है। किस तरह की हालत है? नहीं, ठीक है, हालत ठीक है, ज़्यादा गंभीर नहीं है। कहीं रेफर वगैरह किया? नहीं, रेफर तो नहीं करा, अब वो अगर अपने आप मर्जी से कहीं ले जाएंगे तो ले जा सकते हैं।